पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने किया शशिकांत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। महिला से चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने चार नकली सीमेंट फैक्ट्रियों का किया भंडाफोड़। नोएडा में सेंट्रल कार मार्केट में आग लगने से मची अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। वार फिल्म में छाया अट्टा का रवि अवाना। सियासत की पीच पर पिछले तकरीबन 8 वर्ष से धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे सांसद तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने शुक्रवार को नोएडा स्टेडियम क्रिकेट की पीच पर बल्लेबाजी करके तथा फीता काटकर 18वें कैप्टन शशिकांत शर्मा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। ये टूर्नामेंट 26 अक्टूबर तक चलेगा। प्रत्येक दिन स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान कैप्टन शशिकांत शर्मा के पिता फ्लाइंग लेफ्टिनेंट जेपी शर्मा, उनकी माताजी श्रीमती सुदेश शर्मा, कैप्टन शशिकांत शर्मा के भाई डॉक्टर नरेश शर्मा, मानव सेवा समिति के अध्यक्ष यूके भारद्वाज, अनूप खन्ना, फोंदवा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, त्रिलोक शर्मा, पूर्व प्रधान सुरेश शर्मा, अरुण शर्मा, करुणेश शर्मा, मूलचंद अवाना चाचा हिंदुस्तानी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सुभाष शर्मा, और जो ये टूर्नामेंट है 18 साल से चल रहा है और विश्व भारती स्कूल फर्स्ट टूर्नामेंट से 2001 से और अब तक 18 साल से लगातार खेल रही है मेरी टीम, और मैं इसका ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी भी हूँ, जो सारे इनविटेशन लेटर से लेके और सारे एम्पायर्स और बॉल्स वगैरह एवरी स्टेडियम बुकिंग सब मेरे अंडर होती है। और मेरा स्कूल जो 18 साल से खेल रही है, पहले बार मैं फाइनल हारा था 2001 में, और लास्ट ईयर में फाइनल में हारा हूँ, लास्ट ईयर फाइनल जीता था मैंने। 18 में से विश्व भारती 7 बार ये टूर्नामेंट जीता है और 5 बार रनर्स अप रहा हूँ। 12 टाइम मैं फाइनल में पहुँची विश्व भारती, जिसका इंडस वैली से मैच है, उद्घाटन मैच है, जो बारिश की वजह से थोड़ा लेट स्टार्ट होगा। और इसमें नोएडा थोड़ी निःशुल्क जो स्टेडियम देती है उनका धन्यवाद। बाकी यूके भारद्वाज जी इसमें लगे हुए हैं, उनके पीछे उनकी पूरी पलटन लगी हुई है इस टूर्नामेंट के लिए, और इसको और अच्छी ऊंचाई तक लाने के लिए भी हम प्रयत्न करेंगे इसके लिए। थैंक यू। टूर्नामेंट है, मैं उपदेश कुमार भारद्वाज मानव सेवा समिति की तरफ से और नोएडा स्पोर्ट ट्रस्ट साथ में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, ये हमारी संस्थाएं हैं जो इस टूर्नामेंट को लगातार आयोजित कर रही हैं 2002 से। और इसका जो विषय है वो बहुत ही देशभक्ति का, देश प्रेम का विषय है, क्योंकि कैप्टन शशिकांत शर्मा जो कि सियाचिन में बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनकी याद को बनाए रखने के लिए, उनको याद करने के लिए यह खेल के साथ जोड़ा गया है, ये इस खेल को जोड़ा गया है उनके नाम के साथ, जिससे कि हम लगातार उनको याद बनाए रखें और प्रेरणा देते रहें आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को, आने वाले भविष्य के बच्चों को, कि इस देश के लिए मर मिटने वाले लोग भी रहे हैं, और आपको भी उस इसी तरह का जज्बा रखना चाहिए देश प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए। शुक्रवार को करीब 12:45 पर विजय निवासी गड़ी चौक खंडी थाना फेज 3 ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी कि सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन के पास से उनकी पत्नी की 2 पल्सर सवार व्यक्तियों ने चैन छीन ली। एसपी सिटी विनीत जायसवाल ने बताया कि सूचना मिलने पर फेज 3 पुलिस ने तत्काल चेकिंग प्रारंभ कराई। चेकिंग के दौरान सेक्टर 117 में मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ और उसका साथी भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश के कब्जे से 1 पल्सर मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 धोखा कारतूस लूटी गई, 1 पीली धातु की चैन टूटी हुई बरामद हुई। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और भागे हुए बदमाश की तलाश जारी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 4 थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली सीमेंट के अंतर्राज्यीय धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बिसरक और नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के डूब क्षेत्र में चल रही 2 फैक्ट्रियों और अलग अलग स्थानों पर 5 गोदामों पर छापा मारकर रुद्रपुर के बड़े सीमेंट कारोबारी आलोक जैन समेत 12 को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में नकली सीमेंट तैयार करने से लेकर आपूर्ति करने वाले भी शामिल हैं।
पुलिस ने नकली सीमेंट से भरे 3,778 कट्टे और नामी कंपनियों के खाली कट्टे बरामद भी किए हैं। आरोपी एनटीपीसी की राख, खराब सीमेंट आदि से नकली सीमेंट बनाते थे। पुलिस के मुताबिक नकली सीमेंट से बने घरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। पुलिस ने एक गैंग पकड़ा है जिसमें 12 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और 4 अभियुक्त अभी वांटेड हैं। ये एक गैंग है जो कि फर्जी तरीके से सीमेंट बनाता था, मिक्स करता था बेसिकली अलग अलग चीज़ को, और मिक्स करके उसे सीमेंट के फॉर्म में ले आते थे और ब्रांडेड सीमेंट कंपनीज जैसे ACC है, बांगर है और भी कई सीमेंट कंपनीज के इन्होंने नाम बताए हैं, उनके बैग्स में भर के और वो बेच देते थे, अलग अलग जगह पे बेच देते थे। 2 बेसिकली फैक्ट्रीज पकड़ी गई हैं, 4 गोदाम पकड़े गए हैं जहाँ पे ये बनाते थे और वहाँ पे गोदाम में रखते थे। करीब करीब 4,000 भरे हुए सीमेंट के बैग्स मिले हैं जो कि ब्रांडेड कंपनियों के उन पे नाम लिखे हुए हैं। 2,500 करीब खाली बैग्स मिले हैं। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली मिले हैं जिनमें कुछ माल भरा हुआ था। बड़े पैमाने पे ये संचालित इस तरीके का गिरोह जो है वो किया जा रहा था। एक रुद्रपुर से एक बिजनेसमैन अरेस्ट हुआ है जो कि सीमेंट के कार्य, जिसका सीमेंट का कार्य उसने अपना बताया है, और वो फर्जी सीमेंट को ऑर्डर करता था और अपने बिजनेस के माध्यम से उसे सप्लाई करता था। तो 12 लोग कुल अरेस्ट हैं और 4 अभियुक्त इसमें अभी बने। नोएडा के सेंट्रल कार मार्केट में शुक्रवार सुबह आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई। घटना उस समय की है जब मार्केट की सारी दुकानें बंद थी। बंद दुकानों में आग लग जाने के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अगर आपने गांधी जयंती 2 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म वार देखी है तो उसमें विलन की भूमिका निभा रहे बशीर हासिब की दमदार भूमिका भी देखी होगी। बशीर कोई और नहीं बल्कि अट्टा गांव के रहने वाले रबी अवाना है। वो मॉडलिंग के बाद साउथ की फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं। वहां कामयाबी के बाद उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिली है। हीरो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ रबी की भूमिका को भी लोगों ने खूब पसंद किया है। नोएडा के अट्टा गांव निवासी सत्य प्रकाश रवाना के पुत्र रबी अवाना जाना पहचाना चेहरा है। मॉडलिंग से करियर शुरू करने वाले रबी ने देश की जानी मानी कई कंपनियों का विज्ञापन किया है। मनीष मल्होत्रा जैसे डिजाइनर के लिए फैशन शो भी किया है। पूरे क्षेत्र को रबी पर गर्व है। वो इन दिनों रबी मुंबई में है। गाँव आने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।